हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल को किया था और जब हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल शुरू की थी तो कुछ चीज़ें हमने एज्यूम की थी, जो हमने ये कहा था कि आने वाली वीडियोस में हम इस चीज़ को प्रूफ भी करेंगे कि जो हमने अजम्पशन की है वो एक्चुअल में राइट है। सिर्फ एंगुलर प्रोजेक्टाइल की वैल्यूज निकालने के लिए हमने ऐसा नहीं किया। तो आज की जो हमारी वीडियोस रहेगी वो उन्हीं सिमेट्रीज को हम प्रूफ करके दिखाएंगे जिनको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है वो एज्यूम किया था। जैसे कि तीन सिमेट्री थी मेन जिन्हें हमने एज्यूम किया था। पहली ये थी कि जो टाइम ऑफ एसेंट है, यानी कि ऊपर जाने का टाइम प्रोजेक्टाइल के T1, वो हमने इक्वल दिया था टाइम ऑफ डेसेंट D2, पहले हमने ये मानी थी। सेकेंड हमने कहा था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से आप फेंक रहे हो उसको, सेम होगा एंगल विद विच प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पे टकराएगी तो उस टाइम भी वही एंगल होगा जिस एंगल से आपने उसको फेंका था। और तीसरी सिमेट्री जो थी वो ये थी कि वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की, वो इक्वल होगी फाइनल वेलोसिटी बाय विच इट हिट द ग्राउंड। जिस वेलोसिटी से आपने उसको फेंका और वो जब जमीन पे टकराई तो उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, इक्वल होंगी। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड फाइनल वेलोसिटी, ये तीन सिमेट्री हम मान के चले थे। अगर मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो फिगर के अकॉर्डिंग जो सिमेट्री थी, पहली सिमेट्री ये कहती है कि अपर इस पोजीशन पे जहाँ पर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आपने जीरो लिया था, यहाँ तक जाने का टाइम T1 है और यहाँ से नीचे आने का टाइम क्या है, T2 है, ये हमने इक्वल माना था वहाँ पर और इस चीज़ को अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे। दूसरी के अकॉर्डिंग अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, लेकिन अभी मैं इसको बीटा लिख लेता हूँ, फिर हम बीटा और थीटा को इक्वल प्रूफ कर देंगे इस सिमेट्री में। तीसरा, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है यू थी, तो हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि जब ये नीचे टकराई तो आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर बोला है कि वी आर से ये टकराई है, तो उस रिजल्टेंट वेलोसिटी को भी किसके इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे, यू के इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे। तो अगर प्रूफ की बात करते हैं तो सबसे पहला पार्ट लेके चलते हैं प्रूफ ए, पहले टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डेसेंट। देखिए दो अलग अलग टाइम हमने लिए, पहले बात करते हैं जाने की। एक बॉडी यहां से शुरू हुई और वो यहां तक गई, इनिशियल वेलोसिटी तो आपको पता है वाई एक्सिस पे थी यू साइन थीटा, लेकिन इस पाथ में यहां आने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो है टाइम T1 के लिए पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो इक्वेशन क्या है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी तो क्या है, जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा। ऊपर जा रहे हैं तो एक्सीलरेशन को माइनस जी लेंगे, ये आपको पता है, ऊपर हम अगेंस्ट जा रहे हैं ग्रेविटी के तो माइनस जी, टाइम की जगह आपने T1 लिया, इसको इस तरफ ले आइए, नेगेटिव है इस तरफ आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो G T1 यू साइन थीटा और T1 की वैल्यू क्या आ गई, यू साइन थीटा बाय जी, ये है हमारे पास T1 की वैल्यू, टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का टाइम। अब देखिए सेकंड मोशन, अब मोशन यहां से शुरू होगा, यानी कि जब वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, लेकिन जब वो नीचे आ रहा है तो फिर जीरो नहीं है, फिर नीचे आते टाइम फिर दोबारा क्या वेलोसिटी है उसकी, यू साइन थीटा। सिर्फ इस पॉइंट पर ही वेलोसिटी मैक्सिमम वाई डायरेक्शन में जीरो होती है, उससे पहले भी ये थी और इसके बाद भी ये होगी।
तो अगेन वही इक्वेशन यू प्लस ए टी। अब फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं है, अब कौन सी वेलोसिटी जीरो है, यहाँ से यहाँ आने में यहाँ से चला है तो यहाँ जीरो थी, तो इनिशियल हो गई जीरो और फाइनल हो गई यू साइन थीटा, यहाँ से निकलते ही जो वेलोसिटी उसने ले ली। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वी आर है, वी आर तो हमने टोटल की बात कर रहे हैं, वी आर तो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, टोटल मोशन थी। फिलहाल वी आर क्या कर रहे हैं, हम डिस्कसिंग विद द हाफ ऑफ पार्ट्स, फर्स्ट फॉर टाइम टी वन, सेकेंड फॉर टाइम टी टू। अब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जी की वैल्यू प्लस की रहेगी, क्योंकि अंत की तरफ आ रहे हैं तो प्लस जी, और टाइम कौन सा है टी टू, तो जी को नीचे ले आओ तो टी टू की वैल्यू क्या आ गई, यू साइन थीटा बाय जी। खुद देख लीजिए टी वन की वैल्यू भी यही है और टी टू की वैल्यू भी यही है, और ये चीज हमने प्रूफ अभी की है, लेकिन इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में ही एंगुलर प्रोजेक्ट टाइम में इसको एज्यूम कर लिया था, और अब हमने ये चीज प्रूफ भी कर दी कि टाइम दोनों का एक्चुअल में क्या होता है, सेम होता है। ये पहली चीज जो हमने प्रूफ की। अब दूसरी की बात करेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल विद विच प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, जिस एंगल से आपने फेंका और जिस एंगल से वो आके टकराया वो दोनों इक्वल है। हमने मान लिया कि वो बीटा एंगल से टकराया, डायरेक्शन जो थी लास्ट में, तो आपने टेंजेंट बीटा निकाला था जो इक्वल आया था वी वाई बाय वी एक्स के, और इसकी वैल्यू थी यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में ये था यू कॉस थीटा। देख लीजिए अगर आपको ये प्रूफ करनी है तो ये शोर हो जाए पहले आपको कि आपको एंगुलर प्रोजेक्टाइल अच्छे से आती हो, क्योंकि उसकी वैल्यूज डायरेक्ट पुट की जा रही है। एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हमने लास्ट में रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाली थी, तो टेंजेंट बीटा का ये फॉर्मूला आया था जो हमने अभी डायरेक्ट पुट किया है यहाँ पर, तो आपको ये याद होना चाहिए। आपको सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूले में टी की वैल्यू पुट करनी है, ये है रिजल्टेंट की डायरेक्शन, यानी कि जब सारा मोशन कम्प्लीट हो चुका है तो इसका मीनिंग है टाइम कौन सा होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरे का टाइम, और पूरे के टाइम का फॉर्मूला आप कर चुके हो, मैं लिख देता हूँ फिर भी, वो था टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाय जी। ये था पूरा टाइम कंप्लीट, ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, देखिए यू साइन थीटा माइनस जी टू यू साइन थीटा बाय जी अपॉन में यू कॉस थीटा, जी से जी कैंसल आउट, क्या आ गया u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा अपॉन में u cos थीटा। कॉमन ले लीजिए, ऊपर से u sin थीटा कॉमन लिया तो यहां तो रह गया 1, यहां क्या रह गया 2 अपॉन में क्या है u cos थीटा, एक में से दो गए माइनस 2 में से प्लस 1 करोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा u sin थीटा, और नीचे है u cos थीटा, यहाँ 1 बचा माइनस साइन, इसलिए ये आ गया ऐसे, u से u कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस टेंजेंट थीटा साइन बाय cos, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है टेंजेंट बीटा, यानी कि टेंजेंट बीटा किसके इक्वल आ गया माइनस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट, बीटा इक्वल आ गया माइनस थीटा के। माइनस साइन सिर्फ आपको ये दिखा रहा है कि प्रोजेक्टाइल के लिए ये एंगल ऊपर जाने का था और एक एंगल नीचे आने का है, आप एक को प्लस में लोगे तो दूसरा माइनस में आएगा ही, क्योंकि एक ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया है, एक नीचे की डायरेक्शन दिखा रहा है, तो नेगेटिव साइन यहाँ सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, अदरवाइज थीटा किसके इक्वल है थीटा के, तो आप लिख सकते हो नेगेटिव साइन इज ड्यू टू डाउनवर्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, अदरवाइज आपने प्रूफ कर दिया कि जिस एंगल से फेंका था उसी एंगल के साथ वो चीज क्या है आगे टकराई है। बस तो ये सेकेंड चीज थी जो हमने प्रूफ की। अब हम चलते हैं थर्ड प्रूफ की तरफ, कि जिस वेलोसिटी के साथ फेंका है यू
फाइनल वेलोसिटी भी वही होनी चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी जो आपने निकाली थी पहले वो निकल लेते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर, ये आपने निकाली थी, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ आपको याद होना चाहिए, आपने निकाली थी यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू जी टी यू साइन थीटा। ये फॉर्मूला था एंगुलर प्रोजेक्टाइल की रिजल्टेंट वेलोसिटी का। और अब इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ वही स्टेप दोबारा करना है जो आपने लास्ट वाले में किया, कि ये वेलोसिटी जो है कंप्लीट मोशन की है, इसलिए जहां जहां टाइम नजर आ रहा है वहां पे आप टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की। देखिए क्या होगा, यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू थी टू यू साइन थीटा बाय जी और इसका स्क्वायर माइनस टू जी टी की वैल्यू टू यू साइन थीटा अपॉन में जी, साथ में क्या है यू साइन थीटा। अब देखिए पहले यहाँ जी से जी कैंसिल आउट, ये जी का स्क्वायर और यहाँ भी जी का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, क्या बचेगा यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू टू जा फोर यू और यू स्क्वायर, साइन भी दो बार है तो साइन का भी स्क्वायर, ये दोनों एक जैसी टर्म में है, कैंसिल आउट हो गई, तो वी आर इसके इक्वल आया अंडर रूट यू स्क्वायर के, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, क्या आ गया यू आर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी भी किसके इक्वल आ गई, उसी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आ गई जिस इनिशियल वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्टाइल को क्या किया था, प्रोजेक्ट किया था, आपने उसको एयर में फेंका था। तो ये तीन सिमेट्री हमने जो है वो डिस्कस की थी एंगुलर प्रोजेक्टाइल में, तो इनको अब हमने प्रूफ कर दिया है, तो आपको इनका प्रूफ अच्छे से कर लेना, ये एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है।